हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। मैं भी पहले से बेटर हूं और आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल ब्लॉग लेके आई हूं। छठी और बरही का ब्लॉग लेके आई हूं। जब भी न्यूबॉर्न घर में आता है तो छठी और बरही की पूजा होती है, कुछ रिचुअल्स होते हैं जिनको करना होता है, तो उसका ब्लॉग लेके आई हूं। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको अपनी छोटी सी गुड़िया का फेस भी दिखाने वाली हूं, तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। तो छठी वाले दिन ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई और हम लोग स्टे कर रहे हैं अभी आर्मी के गेस्ट हाउस में। फादर और फादर इन लॉ दोनों आर्मी से हैं, तो हम लोगों को आर्मी की कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, तो हम लोग वहाँ पे स्टे कर रहे थे। तो डिस्चार्ज होके आई हूँ मैं और थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। और आज छठी है तो छठी में कुछ कुछ चीज़ें करनी होती हैं, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है, मतलब जितना भी पॉसिबल। अभी हम घर पे तो हैं नहीं, तो बाहर में जितना पॉसिबल है उतना हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने हाथ मुँह धो के चेंज कर लिया है और बेबी को भी चेंज करा दिया गया है, क्योंकि अभी नहाने का स्टिचेज अभी लगे हुए हैं मेरे, 2-3 दिन हुए हैं तो अभी स्टिचेज कटे नहीं हैं, तो अभी मैं नहा नहीं सकती हूँ क्योंकि ड्रेसिंग चेंज हो चुकी है एक बार की। तो हॉस्पिटल में मैंने नहा लिया था और अभी यहाँ पे मतलब कुछ स्पेशल खाना बनता है। अगर हम घर पे रहते तो बहुत सारी चीज़ें होती, बट हम घर पे नहीं हैं, तो जितना पॉसिबल हो पाया माँ और मम्मी ने बोल के, जो कुक हैं उनसे बोला कि ये चीज़ें अगर बन जाएँ तो थोड़ी बहुत चीज़ें बन गई। और फिर माँ यहाँ पे दिया नहीं था तो चम्मच में दिया जलाया उन्होंने, मतलब जो भी पॉसिबल हो पाया। खाने को क्या होता है, एक प्लेट में निकाल के उसकी आरती करते हैं और थोड़ा सा कच्चा दूध डालते हैं। ऐसा बोलते हैं छठी को शांत करना होता है, ठंडा करना होता है। तो ये हुआ और ये माँ कर रही हैं और मैं बेबी को लेके बैठी हूँ गोद में। और इसमें करना ये होता है कि जो बेबी है ना वो जलता हुआ दिया नहीं देखेगा, तो इसलिए उसका फेस कवर करके रखना होता है और उसको नहीं दिखाना होता है कि दिया जलता हुआ बेबी नहीं देख सकता है, तो इसलिए मैंने उसका फेस कवर करा हुआ है। और ये पूजा हो गई, अब इसके बाद हम लोग खाना वाना खाएंगे। इससे पहले खाना नहीं खा सकता कोई, तो हर कोई वेट कर रहा। और अभिष्टी, मुझे बोला गया कि दुपट्टा सर पर डाल लो, तो अभिष्टी ने बोला मुझे भी डालना है, तो वो भी डाल के साथ साथ घूम रही हैं। और फिर छठी की पूजा के बाद रात को हम लोग सो गए और आज हम लोग निकल रहे हैं रुड़की के लिए। तो इतना सारा सामान हो गया ना हमारे पास, पूरी गृहस्थी जम गई थी हमारी यहाँ पे, क्योंकि मैं कितने दिन रही यहाँ पे, ऑलमोस्ट 22-23 दिन रही हूँ मैं यहाँ पे। तो बहुत सारा सामान हम लेके आए थे, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐड भी हो गई, तो बस ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो चुकी है। हम लोग निकलने वाले, मिठाई भी हम लोग लेके आ गए हैं क्योंकि सबको देनी है यहाँ पे मिठाई। बेबी हुआ तो हम लोग हॉस्पिटल में बिजी थे तो मिठाई वगैरह नहीं दे पाए, तो अभी जाते समय यहाँ पे भाभी रहती हैं, बुआ रहती हैं और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं आर्मी गेस्ट हाउस में, वहाँ के स्टाफ हैं, तो सबको मिठाई दे के फिर हम लोग रुड़की के लिए निकल गए। और फाइनली हम लोग रुड़की पहुँच चुके हैं। और बेबी के होने के बाद मैंने बहुत सारे कपड़े ऑर्डर किए उसके लिए, पहले तो नहीं कर सकते थे, तो होने के बाद मैंने बहुत सारे कपड़े ऑर्डर किए। और मैंने ऑलमोस्ट टॉप ही ऑर्डर किया क्योंकि अभी नीचे पैंट तो पहनना नहीं, इनको डाइपर से ही काम चल जाता है। यानी कि 2 दिन बाद फिर बरही सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। बरही भी होता है, मतलब ऐसे तो उसको 12 दिन का कंसेप्ट होता है, बट ऐसे पंडित से दिखवाना पड़ता है कि बरही की पूजा कब हो सकती है, उसके हिसाब से बरही करते हैं। तो आज अभी 12 दिन तो नहीं हुए हैं, 10 दिन हुए हैं सी सेक्शन के, और आज बरही है, तो आज मेरी स्टिचेस भी कट गई हैं, तो दोनों अच्छी चीज़ें हैं। तो बरही के दिन नहाना होता है सर धो के, तो मैं ऑलमोस्ट 8-9 दिन के बाद सर धो के नहाया है मैंने यहाँ पे। और ये पीले रंग का कुर्ता और पैंट माँ लेके आई मेरे लिए, क्योंकि आज के दिन नए कपड़े पहनते हैं, मदर और बेबी दोनों नया पहनते हैं। तो माँ और मम्मी गए थे शॉपिंग करके आए, माँ लेके आई ये कपड़े मेरे लिए, और बड़ा सुंदर सा कुर्ता, सॉफ्ट सा बिल्कुल फैब्रिक है इसका, तो ये मैंने पहन लिया। और येलो कलर की बेबी के लिए भी ड्रेस आई है और अभिष्टी के लिए भी ड्रेस आई है येलो कलर की। तो यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और बेबी को भी अभी नहलाया जाएगा, तो मम्मी और माँ बेबी को रेडी कर रहे हैं, मैं अपना रेडी हो रही हूँ। अभी तक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत देर तक मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि स्टिचेस अभी भी ना पेन करते हैं। तो जैसे तैसे नहा लिया मैंने, और नहाने के टाइम पे ना बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि अजवाइन जो होती है उसकी पोटली बना के पानी में बॉईल की जाती है, उस पानी से नहाना होता है ताकि एकदम से ठंड ना लग जाए, सर धोना है तो। और फिर नहाने के बाद जब मैं वॉशरूम से निकली ना, तो दिए में अजवाइन करके उसको उल्टा करके रख देते हैं, तो मतलब जब भी आप वॉशरूम से निकलोगे आपको उसके ऊपर पैर रखना है और उसको तोड़ते हुए फिर आगे निकल जाना है।
तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बड़ी अच्छी सी चीज़ें बनाई गई हैं। और नहाने के जस्ट बाद आपको बेबी को नहीं छूना है, पहले कुछ मुंह में अनाज डाल लीजिए, उसके बाद बच्चे को छूना है। तो ये सारी चीज़ें ना पुराने लोगों ने बहुत सोच समझ के बहुत चीज़ें बना रखी हैं, जिससे कि ना आपको और बेबी को कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और बेबी को भी स्पंज बाथ दिया गया आज, और उसको भी रेडी कर दिया है माँ ने। और यहाँ पे रेडी होने के बाद फिर पैरों में कलर लगाते हैं, मतलब नेल्स काटेंगे और पैरों में कलर लगाएंगे। इससे पहले नेल्स नहीं काट सकते हैं, बाल नहीं काट सकते हैं, क्योंकि ना एक छूतक लग जाता है घर में। तो आज के दिन के बाद फिर शुद्धिकरण हो जाता है, मतलब पूजा भी नहीं होती इतने दिनों तक, आज के बाद से फिर पूजा होनी शुरू हो जाएगी घर में। तो मतलब ये सारी चीज़ें एक तरह से आराम देने के लिए बनाई गई हैं, कि इंसान आराम कर सके इतने दिन तक प्रॉपरली। तो फिर यहाँ पे मम्मी नेल्स काट के मेरे और फिर उस पैरों में कलर लगाएंगी मेरे। मेरे पैरों में कलर लग चुका है, अब बेबी के पैरों में भी कलर लगेगा थोड़ा सा। बेबी के पैरों में कलर लगने के बाद अभिष्टी ने बोला मेरे पैरों में भी कलर लगा दो नानी, तो फिर मम्मी उनके पैरों में भी कलर लगा रही हैं। उसको रेडी होने के लिए बोला जा रहा है लेकिन सुन नहीं रही है, बोलती मुझे नहीं पहनने कपड़े, मैं ऐसे रहूँगी, गर्मी हो रही है मुझे। तो अभी कलर लगाने के बाद फिर क्या करते हैं कि चुमावन होता है एक ट्रेडिशन, तो मेरे हाथों में चावल और गुड़ दिया माने, और उसके बाद फिर ऐसे चूमते हैं जैसे शादियों में होता है ना उस टाइप से, तो ये करते हैं। और इसके बाद ये जो पूजा है बरही की वो पूरी हो जाती है, फिर शाम को अच्छा खाना बनाते हैं। हमारे में जो भी शुभ काम होता है उसमें दाल की पूरी, कद्दू की सब्जी और खीर बनता है, तो वो सब बनेगा। तो ये जो बरही का काम था वो पूरा हो चुका है। किचन में माँ और मम्मी मिलके बना रहे हैं सुठौरा। सुठौरा बेसिकली बहुत सारी चीज़ें, मतलब 16 चीज़ों का मिक्स करके लड्डू बनाते हैं, जो कि न्यू मदर जो होती है उसको दिया जाता है खाने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। तो यहाँ पे तिखूर हल्दी और खसखस को घी में माँ भुन रही हैं। बाकी चीज़ें जैसे कि इसमें बहुत सारी तीसी पड़ती है, जो अलसी होती है वो कमर के लिए बहुत अच्छी होती है, और जो तिखूर होता है वो भी बॉडी पेन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें पड़ती हैं। यहाँ पे माँ गुड़ तोड़ रही हैं, गुड़ मतलब शक्कर का जो पाउडर आता है, गुड़ का पाउडर जो शक्कर आता है वो, तीसी, और इसमें थोड़ा सा जाएगा आटा, इसमें सौंठ जाएगी, इसमें हल्दी जाएगा, घी जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें जाती हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती हैं बॉडी के लिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद बॉडी बहुत वीक हो जाती है। तो उसको फिर से ठीक करने के लिए, फिर से स्ट्रांग बनाने के लिए ये सारी चीज़ें दी जाती हैं खाने के लिए, ताकि धीरे धीरे बॉडी जो है वो स्ट्रांग हो जाए और आप अपने बच्चे को अच्छे से संभाल पाएँ। तो इसी में माँ और मम्मी लगे हुए हैं बनाने में। अलग अलग चीज़ें खाना तो बहुत मुश्किल है, बट हाँ, इसका अगर लड्डू बना दिया गया तो उसको खाना आसान हो जाता है। तो इसीलिए इसका लड्डू, और इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी पड़ते हैं, मैं भूल गई थी बताना, काजू, बादाम, चिरौंजी, अखरोट, मखाना, नारियल, मतलब जो भी आप डालना चाहो हेल्दी जो भी है वो डाल सकते हो आप इसमें। सुबह एक लड्डू और एक कप दूध पीना होता है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि अभिष्टी के टाइम मैंने खाया हुआ था। और ये लड्डू बनके रेडी हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको बेबी का फेस आज दिखाने वाली हूँ। तो ये है मेरा छोटा सा गुड्डा। तो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।